channel. So आज I am vlogging again and I did not know how exactly to start this vlog, but मुझे vlog करने का बहुत मन कर रहा था. In today's vlog we are gonna tackle two things. One is my skin and the second are my lipsticks. I'm planning to declutter a lot of it today, so we'll see how it goes. I hope you guys enjoy watching this. Thank you so much for loving all of these vlogs, and if you haven't subscribed yet, please subscribe kar lo. Click on the bell button also right next to it, and yeah, you can stay updated with me on Instagram. Okay, so first things first, I shaved my face yesterday and I don't know, mujhe thode breakouts ho rahe. Can you see, like, not breakouts but bumpy skin हो रही है. आई फील लाइक माई पोर्स आर एक्सट्रीमली क्लॉग्ड. मैंने पहले भी मैंशन किया है कि माई पोर्स टेंड टू गेट एक्सट्रीमली क्लॉग्ड एंड उसी की वजह से मुझे एक्ने होता है. एंड मुझे आजकल अंडर स्किन वाला जो एक्ने होता है ना, बम्पी वैसा टाइप का होने लगा है. आई कैन फील इट लाइक ऑल ओवर माई फेस. सो टू टैकल ऑल ऑफ दिस आई एम गोइंग टू स्क्रब माई फेस एंड आई एक्चुअली गॉट टू न्यू स्क्रब्स फ्रॉम मामा अर्थ. आई एम सो एक्साइटेड टू यूज दैम. सो टू स्क्रब्स आर द मामा अर्थ चारकोल फेस स्क्रब एंड देन द मामा अर्थ उपटन फेस स्क्रब. सो मेरे पास दोनों ये है ना. द उपटन वन इज फॉर टैन रिमूवल एंड द चारकोल फेस स्क्रब इट हैज़ चारकोल एंड वॉलनट. इट्स फॉर डीप एक्सफोलिएशन. सो आई गेस मैं ये यूज करूंगी बिकॉज दिस इज वॉट माई स्किन नीड्स टूडे. ऑल्सो मामा अर्थ हैज आस्क्ड मी टू टेक द स्क्रब रब चैलेंज एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. सो मैं इसको एक साइड ऑफ माई फेस में ही यूज करूंगी एंड देन आई शो यू गाइस द डिफरेंस. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज द फेस स्क्रब इस साइड में एंड देन दिस साइड वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट एंड देन आई शो यू गाइस अ डिफरेंस अप क्लोज एंड यू नो विल सी इट टुगेदर की हाउ इट परफॉर्म्स ऑन माई स्किन. ये आपको थोड़ा वेट फेस पे ही लगाना है. सो आई अप्लाइड अ लिटल बिट ऑफ वाटर ऑन दिस साइड. नाउ आई एम गोइंग टू टेक इतना सा अमाउंट. आई थिंक मैंने ज़्यादा ले लिया. सो इन केस यू आर नॉट फेमिलियर विद हाउ टू स्क्रब योर फेस, इसके पीछे सारे डायरेक्शंस लिखे हुए हैं. सो या दैट विल बी हेल्पफुल. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट दैट आई एम नोटिसिंग इज कि ये बहुत ज़्यादा जेंटल है. लाइक इट्स नॉट हार्श एट ऑल. लाइक दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट जेंटल स्क्रब्स दैट आई हैव यूज्ड. यू गाइस नो लाइक आई लव इंटेंस फेस प्रोडक्ट्स जो मतलब यूज करते हैं मुझे जल्दी से रिजल्ट्स दे देंगे. आई जस्ट वॉश माई फेस एंड दिस इज द साइड दैट वी यूज द स्क्रब ऑन एंड ऑनेस्टली आई कैन सी अ रियली बिग डिफरेंस, एस्पेशली मेरे इस एरिया पे जहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है. दिस इज द साइड आई डिड नॉट यूज द स्क्रब ऑन एंड यू कैन सी लाइक इट लुक्स वेरी डल एंड जस्ट कंजेस्टेड एंड दिस साइड इट लुक्स brighter, it looks cleaner and my skin is so smooth right now. like I wish आप लोग मेरी स्किन अभी टच कर पाते बिकॉज इट इज़ सो स्मूथ. माई चिन एंड ऑल ऑफ दिस एरिया सो सॉफ्ट एंड सो इज माई फोरहेड. लाइक आई एम शुक. आई एम सो सो शुक राइट नाउ. लाइक वाओ. लाइक दिस साइड आई कैन फील द ड्राई स्किन एंड इट्स जस्ट वेरी टेक्स्चर्ड एंड Yeah, and this side is absolutely smooth and squeaky clean. I feel like the ingredients charcoal and walnut dono bahut acha combination hai kyunki walnut se sari jo dry skin hai wo nikal jati hai. So it just leaves a very smooth skin and charcoal actually helps to deep clean your pores and remove dirt and oil from your face. I'm really really happy with the result. I'm going to use it on this side as well. And the best thing about Mama Earth products are that they don't have any harmful chemicals. Also Mama Earth is a plastic positive brand and it's also a PETA certified cruelty free brand. I generally do like Mama Earth ke products and I feel that their products work really well with my skin type which is oily and acne prone. I'm really happy I took the scrub rub challenge and I think you guys should take it too. You can get your hands on the scrub. They're pretty cheap. They only retail for 349 rupees. And then you have my code anindita2020 that you can use on mamaearth.in and get 20% off. These are available on Nykaa, Amazon as well, but mera code sirf mamaearth pe hi chalta hai. This is not a commission code, it's only for you guys. Now about this Upton face scrub, ye main abhi use nahi karungi because it is for tan removal. So once I start going out a little more, I think ye bahut acha kaam aayega because I really love the Upton range. You know, I love everything in that range, so I can't wait to try this. Also if you take the scrub rub challenge, don't forget to tag me on Instagram and I'll definitely post your stories. So now that I have scrubbed my face, I'm gonna use a serum. I'm gonna use the Mama Earth vitamin C serum. You guys know this is like one of my favorites and ab bahut zyada garmi aa gayi hai, so I'm back to using my lightweight non greasy products.
आई थिंक माई स्किन फील्स एंड लुक्स रियली गुड राइट नाउ एंड आई एम गोना लेट इट सिट ऑन माई फेस फॉर लाइक 10 मिनट्स एंड उसके बाद मैं थोड़ा लाइट मेकअप करूँगी जस्ट बिकॉज आई फील लाइक इट. मैंने बहुत टाइम से थोड़ा सा भी मेकअप नहीं लगाया एंड मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मैं अपने वीडियोज़ में कितनी डर लगने लगी हूँ. सो या आई एम जस्ट गोना लाइक डू अ लिटल बिट ऑफ मेकअप, शो यू गाइज वॉट आई डू. टाइम फॉर सम मेकअप नाउ. दिस इज नॉट रियली अ मेकअप ट्यूटोरियल क्योंकि मैं नॉर्मल बिल्कुल आईब्रोज लिपस्टिक वाला मेकअप कर रही हूँ. मैं घर पर ही हूँ आज भी ऑब्वियसली. फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फिल इन आर आईब्रोज एंड फिलिंग माई आईब्रोज मेक्स मी फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I did my eyebrows yesterday with that shaver thing and they look a lot nicer, like bushy and cute. Next I'm going to take this O2O ka cushion blush and isko main stippling brush ki help se lagaungi. This will just give me a natural glow. Obviously maine base nahi kiya so I can't apply too much otherwise wo thoda weird lagega, but blush in general just makes you look healthy and cute. I think my skin looks very like plump and cute. Nice. I'm just gonna set my face using a loose powder. मैं सनलाइट में दिखाना चाहती हूँ कि मेरा मेकअप कितना क्यूट लग रहा है. ओह कैन यू सी इट इज सो नाइस एंड नेचुरल एंड ओ माय गॉड लाइक ब्लश रियली मेक्स यू लुक द बेस्ट एंड आई पुट अ लिटिल पिंकी लिपस्टिक. सो आई एम ऑल रेडी टू नॉट गो एनीवेयर. मुझे बस अपना लिपस्टिक का सिचुएशन क्लीन करना है. ओके फॉर रियल सो दिस इज द लिपस्टिक सिचुएशन. आई डोंट नो व्हाट दैट इज डूइंग हियर. दीज आर ऑल माय कलरफुल लिपस्टिक्स मतलब रेड्स एंड ऑल ऑफ दैट. दिस इज़ लाइक ऑल ऑफ माई न्यूड लिपस्टिक्स. आई एम नॉट रेडी टू टैकल दिस बट आई हैव टू. ओके सो दीज आर ऑल द न्यूड लिपस्टिक्स दैट आई हैव. मेरे पास और भी है बट वो मेरे दूसरे बैग में एंड दोज आई यूज सो दोज आई विल ऑब्वियसली कीप. सो आई एम गोना स्टार्ट विद द वंस जो मैं डेफिनेटली रखने वाली हूँ. Like the Huda Beauty liquid lipstick, you guys know that this is one of my favorites. These are my NYX lip lingeries. Obviously, I'm gonna keep these. Nude Nuance and Touch of Spice. These are like my go-to lipsticks. जो सबको पता है मैं रखूँगी because I use them so much. Then obviously, I'm gonna keep the Huda Beauty lipstick as well. This is my go-to. So I'm just gonna keep them इसी tub में. Then आई हैव द नायका लिपस्टिक्स. ये भी मेरे बहुत फेवरेट्स है सो ये भी मैं रखने वाली हूँ. आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस सो मच. नाउ वी हैव दिस एंजल रोज लिपस्टिक. ये मैंने एक्चुअली कभी यूज भी नहीं किया बट ओ इट्स अ वेरी प्रिटी शेड. इट्स अ लिटल डिफिकल्ट टू अप्लाई. आई डोंट थिंक आई एम गोना कीप दिस सो लेट्स पुट इट इस साइड में फॉर टाइम बींग. देन वी हैव द स्विस ब्यूटी रेट्रो पैट लिपस्टिक. सो सबको पता ही मुझे बहुत पसंद है सो एम गोना कीप दिस. Of course, I'm gonna keep my Jeffree Star, Gemini and my Leo. I think I'm gonna end up keeping a lot of these lipsticks, but yeah. We have the Faces Canada All-Time Pro Lipstick. ये मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि सबने बोला था बहुत अच्छा है पर मैंने इसको कभी ढंग से यूज़ नहीं किया. इट इज़ अ गुड लिपस्टिक बट इसका सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यू हैव टू शार्पन दिस एंड आई हेट शार्पनिंग लिपस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो I don't know if I'm gonna keep this or not, so I'm gonna keep it here. Think about it later. Now I have my 2K Beauty lip crayons. I really like these, so I'm gonna keep these. Then I have this. This is the Jaclyn USA Lip Pop. ये मैं पहले बहुत ज़्यादा use करती थी, but I have to admit I don't use it anymore. Like I literally don't reach out for this at all. So I'm not gonna keep this. Then I have the Maybelline Super Stay Matte Ink and it's in the shade Seeker. ये भी मैं बिल्कुल भी use नहीं करती so I'm not gonna keep this. I have the Maybelline Super Stay Versatile. I don't use this as well. I actually don't use any of my Maybelline ones but ये जो shade है Delicate ये मैं
रखूंगी बिकॉज आई रियली लाइक द शेड एंड आई थिंक आई विल यूज इट इवेंचुअली. सो आई एम नॉट कीपिंग दिस. ओके देन आई हैव द शाई स्टाइल्स कलर मेकअप स्टोरी एंड ये है शेड ड्रीम्स. आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट यूज इट क्योंकि ये मुझे कलर सही में बहुत ज़्यादा पसंद है. दिस इज़ माई फेवरेट कलर फ्रॉम हर रेंज. दिस इज़ अ वेरी नाइस कलर. ओके आई एम गोना कीप दिस एंड आई एम एक्चुअली गोना रीच आउट फॉर दिस मोर एंड मैं इसको यूज़ करूँगी. आई हैव माई एन वाई बी का लिपस्टिक. ओ आई फॉरगॉट अबाउट दिस ऑल्सो. सो दिस इज द एन वाई बी लिपस्टिक. ये भी मैं रखूँगी बिकॉज आई रियली एक्चुअली लाइक इट. Oh, my pack retro matte. Of course, I'm gonna keep this. Okay, next I have this Focalure ka. I don't know what is this, a lip crayon? Yeah, no, I'm not gonna use this. So, I'm gonna keep it. Then this Nykaa ka lipstick. This is a bullet lipstick. I don't like it. Like, maine isko एक या दो बार यूज़ किया है. आई जस्ट डोंट लाइक इट. द शेड इज़ ओके बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे शेड्स हैं एंड आई डोंट लाइक द फॉर्मूला सो आई एम नॉट गोना कीप इट. ओ माय L18 के लिपस्टिक. आई रियली लाइक L18 का ये जो लिपस्टिक है सो आई एम गोना कीप एक्चुअली बोथ ऑफ देम. NYBAE या NYBAE का लिक्विड लिपस्टिक. आई हेट द फॉर्मूला ऑल्सो सो आई एम नॉट गोना कीप इट. लाइक द कलर इज क्यूट बट द फॉर्मूला इज नॉट नाइस. सो बाय. वेट एंड वाइल्ड कैट सूट. ये मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया लाइक एंड इसका फॉर्मूला भी थोड़ा ड्राई हो गया सो आई एम नॉट गोना कीप दिस. द शैम्बोर लिक्विड लिपस्टिक. नाउ आई डू लाइक शैम्बोर के लिक्विड लिपस्टिक्स बट दे कैन बी रियली ड्राइंग. ऑल्दो आई रियली लाइक दिस कलर. यू नो दिस सच अ ब्यूटिफुल कलर एंड ये मुझे अदिति ने दिया था सो या आई एम गोना कीप इट. आई हैव द लैक्मे लिक्विड लिपस्टिक. ये मैंने कभी रिव्यू नहीं किया अपने चैनल पर. आई डोंट लाइक दिस. लाइक इट्स नॉट पिगमेंटेड. यू गाइस कैन सी लाइक ये ढंग से स्वॉच भी नहीं हो रहा आई थिंक. नेक्स्ट आई हैव द बायोटीक लिपस्टिक्स. नाउ व्हाट डू वी डू विद दीज. आई रियली हेट द स्मेल ऑफ दीज सो आई एम नॉट गोना यूज देम. आई एम गोना कीप देम यहाँ पे. सेम गोज फॉर ऑल ऑफ दीज शेड्स. आई नो आई एम नॉट गोना रीच आउट फॉर देम बट दिस वन. ओ माई गॉड दिस वन लिटरली स्मेल्स लाइक लाइज़ॉल. लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग. दिस इज सो ओवर पावरिंग. नहीं मतलब of course I'm gonna keep my Turkish rose. like this is one of my all time favorites and this is a lip tint that I really like. this is from Face Shop and yeah I'm gonna keep this. next I have my Smashbox liquid lipstick. obviously I'm gonna keep this. like I love this so much. okay now we have Miss Claire. Miss Claire ka lipstick. oh my god who remembers when I reviewed these. ye mere paas tab se I think ye expire ho gaya so I'm not gonna keep these at all. This is the last Maybelline lipstick that I'm decluttering. It's called Globetrotter and yeah, I'm not gonna use it. I know. So now I have these Maybelline K lipsticks and I have two shades only. So I'm gonna keep these क्योंकि मुझे इनका formula काफी पसंद है. Okay, we are on to our last lipstick and this is the Jaclyn USA Matte Magic Liquid Lipstick. ये मैंने अपने दुर्गा पूजा tutorial के लिए use किया था ना. I really like this shade. Like it's a very nice mauve nude. It's not nude actually but हाँ मुझे बहुत पसंद है शेड. सो आई एम गोना कीप दिस फॉर श्योर. दीज आर ऑल द लिपस्टिक्स दैट आई एम थ्रोइंग क्योंकि एक्सपायर हो चुके हैं एंड दे जस्ट डोंट वर्क एट ऑल. आई एम गिविंग दीज टू अवे टू माई मॉम क्योंकि ये उनके स्किन टोन के लिए परफेक्ट है. एंड देन आई हैव ऑल ऑफ दीज राइट हियर दैट आई एम गोना गिव अवे टू माई फ्रेंड्स और माई सिस्टर. This one I think I'm gonna keep because it was expensive and मैंने इसको एक बार use किया so you know might as well use it a little more. So yeah these are all the lipsticks that I'm decluttering. Actually I did a pretty good job क्योंकि मुझे लगा था मैं बिल्कुल कुछ भी declutter नहीं कर पाऊँगी. Oh my god I am so happy with all of that. इसको मैंने अब थोड़ा properly arrange कर लिया है and you guys can see like this is looking a lot better than before and we have space to buy more lipsticks. And yeah, I'm just happy with everything that I kept. This pile is gonna go away very soon. Now, isme bhi lipsticks hai. Ye sare colorful lipsticks hai. But I think ye main next time declutter karungi because I'm really, really tired. So yeah, I'm just not gonna handle this today. This is for next time. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से बिकॉज मुझे पता है इसको लेके मुझे बहुत कमेंट्स आएंगे कि जो भी मैं लिपस्टिक्स declutter कर रही हूँ मैं give away कर दूँ उनके साथ. And I'm not gonna do it, you guys. I'm not gonna give away my used products, especially lipsticks. वो बहुत ज़्यादा unhygienic है.
and it's just like not something that I'm comfortable with doing. So please so like please don't comment saying ki give the lipsticks to us and all of that. I do giveaways a lot on Instagram and also on YouTube, and I want to give you guys like fresh products or at least products jo mujhe pata hai straight up unhygienic nahi hai. Lipsticks bahut unhygienic hote hain. एंड यू नो किसी स्ट्रेंजर का ऐसा लिपस्टिक लगाना अच्छी बात नहीं होती. आप लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो लाइक यू नो आई एम नॉट गोना रिस्क इट एट ऑल. मैं आप लोगों का ही सोच रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहती, बट या आई एम नॉट गोना डू समथिंग जो आप लोगों के हेल्थ के लिए रिस्की होगा. सो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ अभी एंड मैंने रियलाइज़ किया कि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है. लाइक इट्स ऑलरेडी 15 मिनट्स लॉन्ग, यू गाइस कैन सी. सो मैंने और क्लिप्स वेट मैंने एक्चुअली थोड़ा और फिल्म किया था आज का दिन, बट आई डोंट वांट दिस टू बी एनी मोर लॉन्गर बिकॉज या यू गाइस आर गोना गेट बोर्ड. सो मैं इसको छोटा रखने वाली हूँ. इट्स लाइक वेरी इवेंटफुल टू बी ऑनेस्ट, लाइक स्किन केयर फिर लिपस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट. आई मिस्ड टॉकिंग अबाउट मेकअप सो मच. सो या इट्स अ प्रीटी लॉन्ग वन ऑलरेडी. सो आई एम गोना एंड दिस वीडियो हियर and film another vlog जो आप next week देख लोगे. so yeah I hope you guys enjoyed watching this video and yeah give me more ideas कि मैं क्या vlog कर सकती हूँ because ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं and like I'm open to ideas. so मुझे बताओ क्या क्या आप लोगों को देखना है and I will incorporate it and yeah thank you so much for watching. I will see you guys next time. bye bye.